नमस्कार, मैं हूं हृदेश जोशी। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को एक महीना पूरा हो गया है और हम हैं आज रुद्रप्रयाग में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी बह रही है। यही अलकनंदा है जो बद्रीनाथ से आती है और रुद्रप्रयाग में आकर ये मंदाकिनी से मिलती है। मंदाकिनी जो केदारनाथ से आने वाली नदी है, तो इन दो नदियों के भव्य संगम का ये शहर है। लेकिन पिछले दिनों अलकनंदा हो या मंदाकिनी, वो बेहद गुस्से में रही है और एक महीने बाद भी आज राज्य के हालात, चाहे तमाम कोशिशें हो रही हों, बहुत ज्यादा सुधर नहीं पाए हैं। लोग काफी मायूस हैं। राहत कार्यों की जहां तक बात है, वो राजनीतिक बयानबाजी या कमजोर ब्यूरोक्रेसी में उलझ कर रह गई है। पिछले दिनों यहां तक हुआ कि कांग्रेस की अध्यक्षा या यूपीए की अध्यक्षा कहिए सोनिया गांधी को इस पर अपना दखल देना पड़ा। मेरे सहयोगी दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट। केदारनाथ से आई आफत को पूरा एक महीना गुजर चुका है, लेकिन उस तबाही की तस्वीरों को खंगालने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आसमान से जमीन पर निगाह रखने वाले इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने केदारनाथ और उसके आसपास की हादसे से पहले और बाद की उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। केदारनाथ से ठीक ऊपर की यह पहली तस्वीर और उसी जगह तबाही के बाद की ये तस्वीर बता रही है कि उस रोज सैलाब किस तरह उमड़ आया था। ठीक बीचों बीच पानी ने एक नया रास्ता बना लिया था और ये तस्वीर बता रही है कि उस सैलाब ने केदारनाथ में क्या कहर ढाया। हादसे से पहले की तस्वीर से तुलना करें तो साफ दिखता है कि सैलाब किस तरह केदारनाथ के आसपास की इमारतों को निगल गया और इसी तबाही को और करीब से दिखा रही हैं ये तस्वीरें। इमारतों के साथ साथ हर ओर के रास्ते भी बह गए। केदारनाथ में तबाही मचाने के बाद मंदाकिनी में आया ये सैलाब जब घाटी में नीचे उतरा तो कई जगह बगल से गुजरने वाले रास्ते को खा गया। 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा था तो मंदाकिनी ने सफाया कर दिया। रामबाड़ा में बमुश्किल कुछ ही लोगों की जान बची। राज्य सरकार के मुताबिक इस हादसे में 580 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 5,748 लोग महीने भर बाद भी लापता हैं। और टोटल मिला करके हमारे और बाहर के हैं 5,748 जो लिस्ट है, जो औपचारिकता है हमने अपने राज्य के लिए आज कैबिनेट अप्रूव करी है, वो हम दूसरे राज्य सरकारों को भेज देंगे। इस हादसे में हताहतों की तादाद को लेकर काफी विवाद रहा है। 29 जून को खुद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ये तादाद करीब 900 बता चुके थे। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजुवाल ने तो इसे 10,000 तक पहुंचा दिया था। राहत और बचाव के दौरान इस तरह के विरोधाभासी बयानों ने हताहतों के परिजनों की उलझनें तो बढ़ाई ही। विपक्ष भी इस मामले को लेकर असमंजस में रहा। इसके साथ बैठे हम मुख्यमंत्री 3,000 वाले के साथ बैठे, या जो आपदा मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं 5,000 उनके साथ बैठे, या विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो 2,000 से ऊपर आंकड़ा बता रहे हैं उनके साथ बैठे। हादसे के महीने भर बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब पूरी तरह नहीं मिले हैं, जैसे केदार घाटी में मारे गए कितने लोगों के शव अब तक मिले हैं, शवों के अंतिम संस्कार में इतनी देर क्यों लग रही है, क्या जंगलों में अब भी कई लोगों के शव हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। अगर शवों की संख्या ज्यादा है तो राज्य सरकार ने उनके डीएनए सैंपल लेने और दूसरी निशानियों को संभाल कर रखने के लिए कितना सरकारी अमला काम में लगाया है। केदार घाटी में सोनप्रयाग और गौरीकुंड से ऊपर सरकार ने इतना पहरा क्यों बिठा रखा है? क्या राज्य सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? तबाही के बाद केदार घाटी में काम करना बेशक एक चुनौती है, लेकिन सरकार की घाटी में पहरेदारी मीडिया और दूसरे लोगों को वहां ना जाने देने की मनाही संदेह की परतों को और बढ़ा देती है। दिल्ली से पलक बागला के साथ उत्तराखंड से दिनेश मानसेरा, NDTV इंडिया।